तो दोस्तों, इससे पहले वाले लेसन के अंदर हमने सीखा था कि आपको कैसे फुल बो में बीट के साथ एक गुन और दुगुन करना है सारे गमा पधा निसा का। और आज मैं आपको कट बो का तरीका सिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि आपको फुल बो यूज नहीं करना, केवल इस बो का ऊपर वाला पार्ट यूज करना है, ओके। और फिर आपको प्ले करना है सारे गमा पधा निसा एक गुन और दुगुन। तो जैसे कि हमने पहले वाले लेसन के अंदर 80 का बीपीएम रखा था, हम सेम रखने वाले हैं। और फिर सी स्केल है, पसा पसा ट्यूनिंग है, अब स्केल ट्यूनिंग सब सिखा रखा है। अब आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन दबा के करवा भी देना। हाँ चलो, अभी प्रैक्टिस करेंगे, मैं मेट्रोनॉम लगा देता हूँ जल्दी से। एटी का बीपीएम लग गया है, टिक टिक, 1 2 3 स्टार्ट। अभी दुगुन करेंगे एक बीट पे दो नोट, कैसे? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात, हरे गमा पधा निसा सा नि द प म ग रे। आप चाहो तो इसी चीज को चार गुन भी कर सकते हो एक बीट में चार नोट, कैसे? और आठ गुन भी कर सकते हो एक बीट में आठ नोट, कैसे? अच्छे से समझ लो इसको, मेरे साथ अगले लेसन में इसका रियाज करेंगे। समझ में आया ना? चलो मस्त रहना, मुस्कुराते रहना, बुक आने ही वाली है मेरी। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग बहुत बेकरार हो पढ़ने को, ओके। जय हिंद और जय भारत।